जय श्री राम सारे भाई जानो, आ गए थे वही खेतों में। आज तो लाइट चल रही है अपनी, तो पानी चला रखा जीरी के अंदर। कल के ये बता रखे भाई बारिश मौसम खराब बता रखे भाई कल का, तो इस प्रकार गोभी में पानी ही देते नहीं। आज तो आज बोवांगे अपनी गोभी की पौध, अपना बीज आ चुका। तो आज गोभी के पौध बोने से पहले उसमें रोटावेटर मारना था, तो रोटावेटर की टूट गई भाई रस्सी, तो करण लग रहे भाई डैडी और भाई रस्सी ठीक, दोनों जने लग रहे स्टार्टिंग की रस्सी ठीक करने लग रहे उसकी। ये देखो भाई क्या गया, मार गया। तो वो भाई खोल दिया आगे थे इसका, तो परसों करी थी भाई इसकी बैक गियर की तार टूट गई थी, तो वो ठीक करी थी। आज इसकी टूट गई अपना स्टार्टिंग की रस्सी, तो ये वो ठीक कर रहे भाई। तो इसके बाद ठीक करेगा इनू, फिर करांगे शुरू स्टार्ट करके अपना मारांगे उसमें कैरे में। तो एक बंदा अपना लग लिया कैरे खोदने पर, जो घास है उसके अंदर वो साफ करने पर कैरे में घास साफ करने पर लग गया भाई बंदा अपना। तो आ जाओ फिर देखा कितना घास है, घास साफ करके उसके बाद मारांगे रोटावेटर, और उसके बाद करके कैरे नो एक्सरा, तो बोवांगे अपनी गोभी की पौध। देखा आज कौन सा बीज आया। हो गया था भाई अपना रोटावेटर ठीक कर दे थी इसकी स्टार्टिंग वाले जर्सी ठीक। तो ये चल रहा है भाई देखो अपना कैरमा पहला अपना खुरपा मार दिया भाई कसी फिर दी, तो रोटावेटर चल रहा। ये भी इसमें करांगे भाई इसके बाद एक्सरा, फिर उसके बाद बोवांगे बीज अपना गोभी का। गोभी का बीज आपने दिखाई दिया जो सब बोवांगे आज। देखो भाई चल रहा है अपना, तो अपनी लेबर भी आ गई भाई बीज बोने इसका, पर पहले ही बीज थोड़ा सा टाइम लगा कैरे तैयार होने में, तो इतना अपना गोभी कटाई करांगे भाई जिसमें कल यूरिया गेरी थी, तो उसी में आज इतना कटाई करेंगे। जब कैरे तैयार हो जाएंगे तो फिर अपना पौध बोवांगे गोभी के। भाई अपनी लेबर लग रही इतना बेड तैयार हो अपने पौध बोने के, तो इतना कर रही टमाटर की कटाई। तो देखो भाई टमाटर अपने हो गए इतने बड़े बड़े, बाकी बीच बीच में कोई कोई पेड़ा फिर भी मर रहा ये बार बार, तो भाई संठ नहीं जाते सर का भाई जितने उतने ठीक है अपने। तो ये देखो भाई अपने ये भी लग रहे, और परां वहाँ चल रहा अपना रोटावेटर छोटे वाला कर रहे अपने बेड तैयार। यो फिर रहे भाई एक न्यू ही बेली यो रहे भाई अपने बेड तैयार। देखो पहला रोटावेटर लग गया, फिर खाइया में जोन सी मिट्टी गिर गई भाई वो काटी बाहर काट रहे, एक बंदा लग रहा फिर उसमें कसी मार कर दरस्सी कर रहे भाई एक सरे बेड नू दिखाऊंगा। तो कसी गल दरस्सी हो रही भाई हल्की हल्की सी, जो उनसे ज्यादा कहीं ना मिट्टी है जो। तो इसके बाद अपना एक डंडा लेगा बांस का अपना, उसी के लो एक बार बस फेर देंगे बस सारा एक सरस हो जाएगा, जो उनसे कहीं ना मरोड़ी छोटी मोटी रह गई होगी जो हल्की फुल्की। तो उसके बाद अपने भाई गिरडू भाई लाइना काटने इसका लेकर आए वो पड़े भाई वहां से, वो उसी के लो भाई लाइना काट का बस उसमें लाइना फिर बीज गिरंगी लेडीज आका। फिर फिलहाल टमाटर एक कटाई कर रही लेडीज। यह भाई अपनी सजेंटा की स्नो क्वीन यो परसों बोई थी भाई, यो जाम गई अपनी। देखो भाई लाइना में ही बोवा भी इन्होंने ज़्यादातर अपना जिस तरह आज बेड तैयार कर रहे वो आपने दिखाई दूंगा दिखी जाएगा उसके अंदर वीडियो के अंदर किस हिसाब से बेड तैयार करा किस हिसाब से नहीं। तो आज फिर 100% भाई इसके जर्मिनेशन जिस हिसाब से हम बोवा तो 90-95% है इसका जर्मिनेशन रहा, इस प्रकार में इस हिसाब से बोवा भाई हमेशा गिरडी गिलो लाइना काट का लाइन के अंदर कल्ला कल्ला बीज गिरा। अरे इसकी बीज की 65-70 दिन में चला भाई, यो 65-70 दिन में चला तो इसकी पौध तो जामगी भी अपनी। तो आज बो रहे हम भाई बिशप का, आज बोवांगे बिशप
ये है भाई 90 से 95 दिन की वरायटी। तो ये लग रहे हम कह रहे तैयार करने बंदे और लग रहे बंदे कह रहे तैयार कर रहे अपने रह गए बस थोड़ा सा काम। ये निकाली जा रही है भाई ये लाइने देखिए ऐसे लाइनें निकल जाती है सारी। तो अभी इनके अंदर गिरेंगे बीज अब लाइनों में इनके बीच में ऐसे लाइन वाइज सारी लाइनों में। तो हो चुकी भाई अपने गोभी के बीज की बुआई शुरू। आज बीज बोया जा रहा भाई अपना रिजक जवान का बिशप RZ इसके अंदर 2500 सीड आवा भाई। बाकी सारी कंपनियां के बीजों के बीज 2000 सीड 1500 सीड या 1000 सीड के अंदर आवा। एक लौती कंपनी है जिसके अंदर 2500 सीड आवा। एक दूसरी बात इसके किसी भी पैकेट के ऊपर आपनों इमेज नहीं मिलने की भाई गोभी के बीज जैसे सिजेंटा का इसने अपने गोभी की इमेज दिखा रखी भाई वो बना रखी फोटो। तो इसके ऊपर कोई कुछ नहीं होता। ये रहा फ्रंट से और ये रहा बैक से इसके एक लौती बस इसके सिर्फ ओपन के अंदर इसके सिर्फ गोभी गोभी के बीज है। बाकी सारे इसके तकरीबन उसके नेट हाउस या पोलियो हाउस के बीज है भाई सारे खीरे के शिमला मिर्च के जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा भाई इसके। तो चल रही भाई अपनी बीज की बुआई 2 4 6 जनी बैठी भाई ये बीज बोरी ये गेरी जा रही भाई। इसके ऊपर देसी खाद इसके अंदर भाई कोकोपीट भी मिक्स है अपनी और कुछ दवाइयां भी मिक्स है। तो ये छाना से दिया जा भाई इसका ब्रीक करके सारी छान का सारी इसके ऊपर बीज के ऊपर गेर दी जा। फिर इसके बाद इसके ऊपर लगागा टाट और उसके ऊपर टाट लगका भाई जिससे सारा बीज जोन सा हुआ लड़ना सी डकी जाए सारी सारी। और उसके बाद इन्होंने बोरियां तो डक कर उसके ऊपर पानी छिड़किया जाएगा भाई। फिर इसमें 1 2 3 बेड कंप्लीट होने वाले हैं भाई। बोए जा रहे बीज लग रहे सारे जने। दोपहर का टाइम हो गया भाई 12 के बज गए अड़े भाई। दोपहर बाद शुरू हो चुके अपने गोभी कटाई जिसमें कल यूरिया गिरी थी इसमें घास बहुत ज़्यादा हो रहा है गदबड़ तो इसलिए अब इसमें कटाई शुरू कर दी है। तो सुबह गोभी की पौध बोधी थी तो बंदे अब लग रहे हैं उसके अंदर पानी छिड़कने पे क्योंकि पानी छिड़कने में थोड़ी लेट हो गए थे दोपहर का 1 से ऊपर टाइम हो गया था आज। तो अब लगे हैं अपना पानी छिड़कने पर। तो चलिए चलते हैं और लेवल लगी है यहाँ पे अब गोभी कटाई करने पे। ये देखिए गोभी कटाई यहाँ भी देखिए आगे जहाँ पे कटाई नहीं है घास कितना बड़ा बड़ा हो गया। अब कल का भी दिन पूरा इसी में लग जाएगा कटाई करने में। तो चलिए देखते हैं आज गर्मी बहुत ज़्यादा है शाम को मौसम कैसा होगा रात को जैसी गर्मी है उस हिसाब से तो लग रहा है अभी बारिश ना आ जाए। बाकी आगे प्रभु की मर्जी जो करेंगे देखेंगे अपना क्या होगा क्या नहीं। वैसे तो तकरीबन सारे खेत अपने बहतर हैं पानी के ही हैं। थोड़ा बहुत सूड़ सड़ब पड़ जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है फिलहाल तक। तो जो ज़्यादा हो जाए कुछ क्या कहा नहीं जा सकता उसका। यो भाई बोई तो जोन से सवेर पौधा इस पर जालियाँ भी लगी भाई पानी भी छिड़क दिया बोरियां भी डक गए थे भाई दोपहर जंदे दोपहर भी 1 के ऊपर टाइम हो गया था आज। तो ये भी ढकना लग रहे भाई इनके ऊपर पन्ना क्योंकि भाई मौसम बता रखा ख़राब जो बारिश पड़ेगी बाई चांस तो गोभी का बीज नहीं जामने का इस करका भाई पहली अपना तैयारी करका जा रहे भाई पन्ना ढक का जा रहे। और इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहे भाई जिससे हवा क्रॉस होती रहा जमीते ज़्यादा उमस ना हुआ
ज़्यादा उमस बढ़ता होगा भाई, बीज खराब होने का डर रहा क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इस प्रकार नीचे न इसके स्पेस छोड़ा जाएगा, इतना दोनों पासा खुला सारे पर दूर से दूर तक का भाई, जिससे इसके अंदर नवा क्रॉस होती रहा जमी ते बंद नहीं करने के भाई उन्होंने। तो इस करका भाई बारिश के कारण इस करका पहली तैयारी करके जा रहे हैं अपने, क्योंकि फिर ज्यादा पानी आका तो फिर खराब हो जाएगी सारी की सारी पौध। इस करका अपना पहली समाधान करके जा रहे, जो बारिश ना आई सवेरिया का अपना पन्ना तार का पानी छिड़क दिया जाएगा इसके ऊपर फिर। तो लग रहे अपना काम पर दोपहर पीछा इसी पर ज्यादातर टाइम दोपहर का इसी के ऊपर निकल गया, साथ में एक किले के ऊपर स्प्रे कर दिया एक बंदे ने, और जो थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी लगानी वो भी लगा दी। आज अपना मिट्टी का सिर्फ मापा फिलहाल एक किला रह गया गोभी के मिट्टी का लगाना, आधा किला जोन सा गोमल गया था वो रह गया, एक यहाँ रह गया, मतलब कि डेढ़ किला रह गया हमारे पास मिट्टी लगाना। गोला खेत तो भाई तीन चार दिन में होगा, बाकी जो सवेरी मौसम ठीक रहा बारिश ना पड़ी तो कलों जो सा एक खेत रह गया उसमें मिट्टी लगा देंगे ना बैठ देंगे उन्होंने भी। तो चलो भाई मिलाएं भी कलों, करा इस ब्लॉग की एंडिंग, तो मिलेंगे कलों एक और नए ब्लॉग के लो। जय श्री राम सारे भाइयों।